में होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन द्वारा खास योजना तैयार की गई है। प्रशासन द्वारा परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए स्कूलों में इंटरनेट युक्त सीसीटीवी लगाया जाएगा, जिससे जिला मुख्यालय पर लगे टावर से कनेक्ट होकर ऑनलाइन हर गतिविधि को मुख्यालय को भेजेगी। बता दें कि इससे परीक्षा केंद्र को जिला मुख्यालय से ऑनलाइन जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। पिछली परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 25 कॉलेज संचालकों ने इंटरनेट ना चलने की बात कही थी। इन्हें चिन्हित कर लिया गया है। अब यहाँ इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी की छतरी लगवाई जाएगी। देखिए, पिछले वर्ष 2019 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी, उसमें सभी परीक्षा केंद्रों को हमने इस GIC के कार्यालय से CCTV कैमरे ब्रॉडबैंड के माध्यम से उनको यहाँ जोड़ा था, और जोड़ करके सभी 100% परीक्षा केंद्रों को यहीं से मॉनिटरिंग उनकी की गई थी। और सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं की गई थी, बल्कि हर परीक्षा केंद्र की गतिविधि को यहीं से देखा गया था। प्रदेश के डिप्टी CM सर भी यहाँ आए थे, उन्होंने इस व्यवस्था को देख करके उन्होंने भी इस व्यवस्था की तारीफ की थी, और उससे उत्साहित होकर हमारी टीम पुनः से तैयार है। इस बार भी हम उसी प्रकार के इंतजाम करेंगे। पिछले वर्ष हमने जहाँ जहाँ कमी छोड़ी थी, उन व्यवस्थाओं को पुनः दुरुस्त किया जाएगा, और पुनः उसी व्यवस्था को लागू करके सभी परीक्षा केंद्रों को जोड़ करके, पिछले साल हमने कुछ जो कमियाँ रह गई थी, जैसे हमने 20 साल तहसील वाइज उनको जोड़ा था, हम इस बार CCTV कनेक्शन वाइज उनको यहाँ पर जोड़ेंगे। सपोज करिए, एक कंपनी के जहाँ जहाँ CCTV कैमरे लगे होंगे, उनकी हम एक LED यहाँ पर लगाएंगे। मीन्स एक LED पर एक ही कंपनी के कैमरे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और यहाँ आसानी से उनको देखा जा सकता है। दूसरी LED पर हम दूसरी कंपनी के, पूरे जिले में कई कंपनी के CCTV कैमरे स्कूल संचालकों ने लगाए हैं। पिछले साल थोड़ी ये थी कि तहसील वाइज हमने उनको यहाँ जोड़ा था, एक तहसील में कई कंपनियों के CCTV कैमरे लगे हुए थे, उन्हें थोड़ा खोलने में समय लगता था। इस बार हम वो व्यवस्था करने जा रहे हैं कि कंपनी वाइज CCTV कैमरे को हम एक LED पर यहाँ कनेक्ट करेंगे, और हर वक्त उनकी गतिविधि को यहीं से। बता दें कि 2019 की परीक्षा में जिला मुख्यालय से कुछ कॉलेजों को फोन किया गया था कि उनके CCTV कैमरे ऑनलाइन नहीं है, तो जवाब आए थे कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा। वहां तत्काल फ्लाइंग स्क्वाड भेजे गए थे। इन सब को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट युक्त CCTV लगाने का फैसला किया है। न्यूज़ डेस्क।